विकास तेज गति से कर सकें और सामान्य समस्या भी हमारे सामने आए। एक तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो ये कानून पास किया है EWS का केंद्र ने, उसको लेके जो है ऐसी स्थिति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि राज्यों की मंशा क्या है। 50% का जो लगा हुआ है राइडर आरक्षण को लेके, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि स्थिति स्पष्ट हो, राज्यों की स्थिति क्या है, केंद्र की स्थिति क्या है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ जो है वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 102वें संविधान संशोधन की धारा 342A को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में OBC जातियों के चिन्हीकरण एवं नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के तहत जो धारा 342A जोड़ी गई है, जिसके तहत राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यपाल की अभिशंसा पर OBC जातियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई देती है कि पता नहीं वो चाहते क्या है, क्योंकि राज्यों की शक्तियाँ हैं उसमें कम होगी और राज्यों में कई जातियाँ जुड़ती रहती है, उनको ऐतराज होगा। कभी मैं बार विश्व समाज के जो मेंबर हमारे सांसद सदस्य हैं सब मिल के आए थे, पक्ष विपक्ष के सब चाहते थे कि हमें केंद्र का भी आरक्षण मिले, तो राज्यों में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या तो रिकमेंडेशन करेगा, क्या OBC कमीशन काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई है। अभी हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारे कैबिनेट के साथियों ने, मंत्रिपरिषद के साथियों ने बैठक तय किया है, हम यही मांग करेंगे कि 50% हमें क्रॉस करने की इजाज़त दी जाए और हमें पूरा हमारा खुद का अधिकार जो सुरक्षित रखा जाए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको।